नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। नमस्कार, पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ पे ब्रिजवाला के बुलाने पे मैं यहाँ पे आई हूँ और उनकी गतिविधियाँ बराबर आती रहती हैं मेरे पास। आजकल व्हाट्सएप वगैरह की सुविधाएं हैं, फेसबुक पे मैं देखती रहती हूँ। मुझे यहाँ की रंगोली, यहाँ का स्कूल बहुत ही अच्छा लगता था, तो मैंने उनसे बात किया। और यहाँ पे कुछ वनवासी हैं जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, उनको उनके पेरेंट्स को और जो 100% अटेंडेंस जिन बच्चों का है और उनके माँ बाप को जो है प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग ने यह कदम उठाया। बनारस से विनय कुमार जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे बात किया और हम लोग ने टाइम दे के यहाँ पे आए। तो हम लोग उनके जो 100% अटेंडेंस है उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि और लोग भी जागरूक हों कि हाँ स्कूल में आके, यानी कि एडमिशन दे के फिर हम अपना छुटकारा पालें। और जो 100% अटेंडेंस है और जो बच्चे जो है कि 100% मार्क्स भी लाए हैं उन बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे यहाँ पे। और छोटा मोटा कुछ गतिविधियाँ जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन है वगैरह वगैरह, इस सब से करा के हम उनको जो है प्रोत्साहित करेंगे। एंड कुछ गहे कंबल वगैरह पेरेंट्स लोग के लिए लेके आए हैं हम, और च्यवनप्राश है और ग्लूकोज वगैरह है, इस टाइप से जो हेल्दी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ इसी जनपद में हो रहा है मैम कि आपके फाउंडेशन द्वारा और जनपदों में किया जा रहा है? नहीं, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में हमारे जो है बीबीपुर गांव है, उसको हमने गोद लिया हुआ है, तो वहाँ पे हम अक्सर ये सब प्रोग्राम करते रहते हैं। कभी कैंप लगा के, कभी जो है आई की चेकअप वगैरह वृद्ध महिलाओं के लिए हम ज़्यादा इस पर करते हैं और उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो 100% मतलब स्कूल जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग काफ़ी करते रहते हैं। और बनारस में भी होता रहता है, बनारस में विनय कुमार सिंह हैं, रंजना हैं, ये लोग जो है यहाँ पे भी काम करते रहते हैं। हमारे कई जगह पे काम, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। जी धन्यवाद जी। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र मौर्य जी। शिक्षक हैं आप जी? किस विद्यालय पे? उच्च प्राथमिक विद्यालय और गाँव। आज यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम हुआ था, ये कार्यक्रम कैसा रहा सर? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में होना चाहिए। जो भारत सरकार द्वारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो हो रहा है ये अति सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम हमारे देश में लगातार होने चाहिए और ये समय की मांग भी है। इस तरीके के कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता।